हम अभी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि मानव की मूल चाहना निरंतर सुख और समृद्धि है। सुख को पहचाना टू बी इन स्टेट ऑफ हार्मनी, ये सुख है। और समृद्धि को पहचाना आवश्यकता से अधिक के उत्पादन या उपलब्धता के भाव को समृद्धि का। फिर इस पर ध्यान देने के लिए हम लोगों ने एक अभ्यास भी किया था, उस अभ्यास को मैं जी, तो इससे जुड़ा हुआ एक हम लोगों ने अभ्यास भी करने का प्रयास किया कल कि हम ये जो निरंतर सुख समृद्धि के लिए तो कार्यक्रम है, तो अगर हम अपने सुख को देखने जाए तो समझ पर काम करना जरूरी है, संबंध में भाव पर काम करना जरूरी है, सुविधा की आवश्यकता को पहचान कर उससे अधिक को सुनिश्चित करना जरूरी है। कितना काम कर पाते हैं तो निरंतर सुख समृद्धि की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो इसके लिए हमको समझ, संबंध और सुविधा तीनों ही दिशाओं में काम करने की आवश्यकता है। तो हमको गर्मी लग रही है, हम गर्मी से बेचैन हैं, तो एक तरह से देखें तो ये जो गर्मी से बेचैन है और हमारे घर में पंखा नहीं चल रहा है, कूलर नहीं चल रहा है, तो ये सुविधा के अभाव में जो हम दुख और बेचैनी झेल रहे हैं वो ये है। कई बार हम कमरे में एसी भी लगाए रहते हैं, चार लोग कमरे में बैठे भी रहते हैं, तो बढ़िया टेम्परेचर कमरे का चल भी रहा होता है, लेकिन आपस में एक दूसरे के लिए भाव ठीक नहीं है, विरोध का भाव है, द्वेष का भाव है। तो कितना भी एसी बढ़िया काम कर ले, कमरे का टेम्परेचर बिल्कुल अनुकूल बना रहे, फिर भी अगर भाव ठीक नहीं है दूसरे के लिए तो भी हम अंदर अंदर बेचैन बने रहते हैं वहां बैठे। कई बार हम एसी कमरे में अकेले ही बैठे हैं, लेकिन अगले क्षण या अगले दिन जो हमको निर्णय लेना है, क्या निर्णय ले ये समझ में नहीं आ रहा, तो हम अपने भीतर बहुत ही अंतर्द्वंद, बहुत ही बेचैनी महसूस करते हैं। तो ये समझ के अभाव में होने वाला दुख है। तो अगर देखेंगे तो हम लोग समझ, संबंध, सुविधा पर ध्यान दें, सुविधा के अभाव में भी है ना, उसके कारण एक बेचैनी महसूस करते हैं, या उसकी ठीक ठीक उपयोगिता को नहीं समझ पा रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसकी भी एक बेचैनी महसूस करते हैं। संबंध में भाव का अभाव है, उसकी भी एक बेचैनी है, और अगर समझ का अभाव है तब तो बेचैनी है, दुख है। तो हम अपने दुख को या कहें सुख को इन तीन जगहों पे काम करके सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये जो घर में सुविधा की आवश्यकता है और वो पूरी नहीं हो पा रही, तो हम उसको उत्पादन करके पूरा कर सके, व्यवस्था कर सके, उससे उससे मुक्त हुआ जा सकता है। घर में पंखा लग गया, कूलर लग गया, तो आप उस विधि से उससे डील कर पा रहे हैं, या फिर और फैल कर देखते हैं तो हमने घर के आसपास पेड़ लगा लिए ताकि आसपास का वातावरण थोड़ा और अनुकूल बना रहे, तो रिलेटिवली जो हमको पंखे और कूलर की जरूरत है थोड़ा कम समय के लिए पड़ती है। बट एनीवेज सुविधा को देखने जाएंगे तो ये भी सुविधा से ही जुड़ा मामला है, तो अलग अलग तरह से उस पर काम करके हम एक तरह से इस बेचैनी से मुक्त हो पाते हैं। संबंध में भाव ठीक नहीं है तो जब मेरे में भाव ठीक होगा, दूसरा अपने में भाव ठीक करेगा, तभी हम दोनों उस बेचैनी से मुक्त हो पाएंगे। उस कमरे में 10 AC लगा लें, 20 AC लगा लें, है ना, उससे तो संबंध के भाव के अभाव में होने वाली बेचैनी दूर नहीं हो पाती है। तो उसके लिए तो संबंध में भाव पर ही काम करना पड़ेगा, वो किसी भी सुविधा से दूर नहीं हो सकता। इसी तरह से जो तीसरा वाला उदाहरण हम लोगों ने चर्चा किया दुख का, कि हमको कल के दिन कोई निर्णय लेना है और हमको स्पष्ट नहीं हो रहा ये निर्णय लो वो निर्णय लो, अब घर में कितना भी एसी लगा लें, कितने भी सुविधाएं जुटा लें, उससे निर्णय हम सही ले लेंगे, उस बेचैनी से बच जाएंगे, ये तो हो नहीं पाता है। अपने किसी भी निर्णय को देखें तो वो हमारे खुद से जुड़ा होता है, परिवार से जुड़ा होता है, समाज से जुड़ा होता है, नेचर और एग्जिस्टेंस से जुड़ा होता है। दुविधा सिर्फ इतनी ही होती है कि हमारा निर्णय इनमें से सभी जगह या कुछ जगहों पर डिसहार्मोनी न पैदा कर दे। अगर हमको इन चारों जगह की हार्मनी समझ में आ जाती है और हमारी क्या भागीदारी है जिससे ये हार्मनी बनी रहे, ये समझ में आ जाती है,
तो हम अपने हर छोटे बड़े निर्णय उस अर्थ में ले पाते हैं, संशय मुक्त होकर ले पाते हैं, निश्चितता के साथ ले पाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ ले पाते हैं, तो वो बेचैनी भी दूर होती है। तो ये तीनों जगहों पर काम करके हम तीनों तरह के दुखों को एक तरह से दूर कर सकते हैं, या ठीक से कहें तो सही समझते हैं तो सही भाव होता है और सुविधा की आवश्यकता को पहचान कर उसकी पूर्ति कर पाते हैं, तो हम निरंतर सुख समृद्धि की तरफ बढ़ सकते हैं। तो काम तो तीनों ही जगह करने की जरूरत है, अपने मूल चाहना निरंतर सुख समृद्धि की निरंतरता को पूरा करने के लिए। लेकिन आज के दिन समस्या ये हो गई है कि हमने स्वभाव की जगह प्रभाव को सुख मान रखा है। तो प्रभाव वाला सुख तो सुविधा से या अन्य सुविधा जुटाकर लोगों का ध्यान आकर्षण पाके भी क्षण भर के लिए कई बार हमें भ्रमित रूप से मिलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए हम अपना सारा एफर्ट सुविधा पर केंद्रित कर दिए। साल भर में सुविधा पर या एक्साइटमेंट पर, सुविधा से डायरेक्टली संवेदना पाकर या सुविधाओं के माध्यम से कुछ एक्साइटमेंट वाली जगहों पे जाकर एक्साइटमेंट पाकर, तो इसलिए बहुत सारा एफर्ट हम सुविधा पे लगाते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, पूरे महीने, पूरे साल भर, या तो लगाते रहते हैं या लगाने की सोचते रहते हैं, है ना। तो अगर आप पूरे दिन भर का देखें तो कितना समय आप सुविधा पर लगा रहे हैं या लगाने की सोच रहे हैं, पूरे दिन भर को देखें तो कितना समय आप इन तीनों जगहों पर लगा रहे हैं। अगर तीनों महत्वपूर्ण है तो पूरे दिन भर का डिस्ट्रीब्यूशन हम तीनों के लिए करें। ऐसे ही पूरे साल भर में देखेंगे तो जैसे ही हम लोग जिस फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, जैसे ही उसमें एकेडमिक कैलेंडर या छुट्टियों का कैलेंडर आता है, हम बैठ कर पूरे साल की छुट्टियों का हिसाब किताब लगाने लगते हैं, इस छुट्टियों में कहाँ घूमने जाएंगे, क्या काम करेंगे, कौन सा नया वो करेंगे। अगर ठीक ढंग से ध्यान है तो हम उसको इन तीनों जगहों पर कैसे इन्वेस्ट करेंगे उसको सोचते हैं, कौन सा ऐसा छुट्टियों का स्लॉट है जिसमें हम सब परिवार सही समझ के लिए फुल टाइम अपने को लगाएंगे, कौन सा ऐसा स्लॉट है जिसमें जिन संबंधों में थोड़ी बहुत दूरियां बन गई हैं उनके साथ जाके समय लगाएंगे ताकि चर्चा हो, भाव का आदान प्रदान हो और हम वापस उस भाव को ठीक कर सके, कौन सी छुट्टियों में हम सुविधा का और ठीक से व्यवस्थित कर सके, उसका सदुपयोग कर सके, उसके लिए समय लगाएंगे, कौन सी छुट्टियों में स्वास्थ्य को प्रायोरिटी पर लेके आएंगे, पूरा परिवार अपने स्वास्थ्य पे जो भी व्यतिरेक आया है व्यस्त लाइफ के कारण उसको थोड़ा ठीक ढंग से दिनचर्या ठीक कर सके, यहाँ सही आहार और विहार का अभ्यास कर सके, थोड़ा बॉडी की क्लिंजिंग कर सके। ठीक से देखेंगे तो अगर ये सारी बात ध्यान में आई है तो हम तीनों जगह दिन भर के समय का भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वीकली 168 घंटे का भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मंथली भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ईयरली भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अगले 10 साल भी कुछ प्राथमिकताओं को तय करेंगे। लेकिन अगर ये सब बातें ध्यान में नहीं आई है तो सारा सोचना हमारा मैक्सिमम सुविधा केंद्रित हो जाता है। संबंध के लिए भी जब सोचने जाते हैं तो ज्यादातर सुविधा केंद्रित सोचते रहते हैं और समझ की तो आवश्यकता बहुत कम महसूस होती है या ना के बराबर महसूस होती है, क्योंकि खुद को तो समझदार मान लिए ही होते हैं। तो हमको ठीक ढंग से अपनी दिनचर्या डिजाइन करने की जरूरत है कि इन तीनों का उसमें अवसर हो, सप्ताह को डिजाइन करने की अवसर है कि 168 घंटे में इन तीनों के लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक उसी तरह से मंथली ईयरली हम इन तीनों के ऊपर ठीक ढंग से कार्यक्रम को बना पाए। तो कल आप लोगों को एक अवसर दिया गया था इस पर अपने रिफ्लेक्शंस को देखने के लिए और आज शेयर करने के लिए, तो जिन भी साथी ने ये देखा है और इससे जुड़ा हुआ कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं उनको एक एक करके हम लोग सुनते हैं। तो ठीक है भैया, हाँ, भैया इधर मैं पुणे में रहता हूँ और यहाँ से मैं मुझे इलेक्शन ड्यूटी मिली थी जो बारामती 35 बारामती का एक ये है पोलिंग बूथ है 350 राख बोल के RAKH। तो वहाँ पे हम लोग 6 तारीख को चले गए और शाम को जब वहाँ पे 3 पोलिंग बूथ थे तो अराउंड 15 लोग थे सब लोग हम लोग मिलके। तो रात को खाने के लिए गांव वालों ने हमें बहुत अच्छा भोजन दिया और मैं डेली कुछ न कुछ ऐसी बात रख ही देता हूँ चर्चा में। तो ये कुमार भैया से भी मैंने शेयरिंग किया था, अभी इंग्लिश सेशन में भी थोड़ा सा शेयरिंग किया तो भैया को ये बात मालूम है। भैया मैंने ये बात उनके सामने रखी
कि आप मैं मेरे साथ मैं एक बात रखना चाहता हूँ, ऐसे उनसे परमिशन मांगी। तो सब लोग टीचर थे, प्राइमरी टीचर या सेकेंडरी टीचर, और मैं ही थोड़ा प्रोफेसर। हेलो जी भैया। बोल हाँ, तो मैंने उनके सामने रखा कि हम लोग किसको ज्यादा वेटेज देंगे, कि समझ के लिए, सही समझ के लिए, या संबंध के लिए, या सुविधा के लिए। तो ऐसी चर्चा अराउंड 1 आवर तक चली। तो हम लोग किसको देना चाहेंगे और अभी किसको दे रहे हैं, इस तरीके से मैंने वो चर्चा को थोड़ा सा अलग ढंग से सामने रखा और कंक्लूड ऐसा किया कि हमें सबसे जरूरी है समझ का होना, और उसे हम लोग सही समझ के आधार पर काम करेंगे। तो भैया बहुत ही शानदार चर्चा रही, और इस तरह से मैं डेली कुछ न कुछ तो भी ये समझ सुविधा संबंध पे बात रखता हूँ। तो अभी अवेयरनेस बढ़ रहा है, ये ऐसा मैंने देखा है, और मेरे अंदर में भी उसकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा हो रही है। तो मैं वेस्टर्न रीजन में ये हमारे उमेश भैया के साथ भी शेयर करता हूँ, विनय भैया, अपराजिता दीदी, यशवंत भैया, ये सब टीम के साथ ही ये सब शेयर करता हूँ, और हिंदी सेशन में भी आपके सामने भी रख रहा हूँ, सबके साथ ऐसा ही, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमें ये काम करना जरूरी हो गया, ऐसा लग रहा है भैया। जी भैया। कल के दिन भैया कुछ आप ऑब्जर्व कर पाए कि तीनों पर हाँ आपने कितना कितना समय दिया? भैया, मैं तो ऐसा जब भी मुझे याद आता है तो मैं उसी पे ज्यादा सोचता ही हूँ, क्योंकि वो जरूरी है। लेकिन ऐसा मैं क्लासिफाई नहीं बोल सकता। हाँ, कर क्या रहे अनुमान हैं। हाँ अनुमान के तहत अगर कल आपको एक हाँ रेशियो तो निकालना है, भैया मैं मेरा उसी के ही आधार पे चलता हूँ। मैं ऐसा मीन्स विचारों में भी मेरा सही समझ के लिए ही मैं ज्यादा काम करता हूँ, और मिस ऐसा दूसरा कुछ ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि अभी मैं एक प्रोफेसर हूं, तो मुझे ये बच्चों के सामने रखना है, तो मेरे चलने में, बोलने में, रहने में ये सब दिखाई देना चाहिए या दिखना भी चाहिए। तो मैं उसको बहुत ज्यादा समय दे रहा हूँ भैया, सबसे ज्यादा समय उसी को देता हूँ। एक आधे दो तो ऐसे इंसिडेंसेस तो उसको नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा समय यही सोचने पे मैं ये करता हूँ कि सही समझ क्या होनी चाहिए, ठीक और है। त्रयस्थ होके मैं उसको देख पाता हूँ भैया खुद को। और कुमार भैया ने भी उस पे ये दिया, आपको भी दिख रहा होगा कि मैं ज्यादा उस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन सोचता लेकिन हूँ हर एक केस स्टडीज में कि सही समझ क्या होनी चाहिए, उस पे सबसे ज्यादा मेरा ध्यान ही है अभी। जी भैया। ठीक है भैया, इसको जारी रखा जाए। मैं तो इतना हाँ ही कहूंगा कि अब थोड़ा लंबे समय हो गया काम करते हुए, तब हाँ हम पिन पॉइंटली भी चीजों को देखें कि किस जी समय हम भैया, फुल्ली खुद सही समझने के लिए समय लगा रहे हैं, जी किस भैया, समय हम जो समझ लिए हैं वो दूसरों तक पहुंच जाए वो संबंध के लिए समय है एक तरह से, और फिर जो सुविधा हमारे और हमारे परिवार के लिए और आने वाले अपने जनों के लिए जो सुविधाओं का व्यवस्था करना है वहां पर भी, तो अगर इसको और पिन पॉइंटली होके देखेंगे तो हमारा प्रोग्राम और शार्प और एक तरह से पिन पॉइंटेड बनेगा। जो कल आपने भैया थोड़ा सा जो सब पूरे चीजों पे ध्यान दिलाया और अपनी व्यवस्थाओं पे ध्यान दिलाया, उन व्यवस्थाओं में भैया मैं मतलब एक गाजियाबाद के प्राइवेट कॉलेज में हूँ, ABS IT इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो अपना ध्यान संबंध और सही समझ पे तो बराबर बना रहता है, लेकिन जो आपने ये चर्चा करी कि हम अपने बच्चों के सुविधाओं के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए और इन सारे चीजों के लिए भौतिक सुविधाओं का एक पूरा प्रोग्राम बनाए, तो भैया मैं दिन भर ये सोचता रहा और मैं दिन भर इस बात में अपने आप में थोड़ा सा समाधानित नहीं हो पा रहा था कि जो हमारा सैलरी पैकेज है और जो व्यवस्थाएं हैं उन चीजों में हम सही संबंध पूर्वक और रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए वो चीज तो कर पा रहे हैं, लेकिन इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए हम अपने आप में भैया हम कोई प्रोग्राम नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सैलरी पैकेज है उस हिसाब से उतने लंबे समय तक करने के लिए जो सेविंग वगैरह की बात है वो अपने मतलब हो सकता है मेरे प्रोग्राम में कोई कमी हो, इसलिए मैं आपसे इनपुट चाह रहा था कि मतलब वो जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं बच्चों के लिए, एक शादी के लिए और ये सारी चीजों के लिए आज के जो परिवेश में
वो सब मुझे मतलब थोड़ा सा परेशान की कल दिन भर, और मैं सोचता रहा कि मैं इसमें क्या प्रोग्राम बनाऊं और कैसे करूं ताकि बच्चों के फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज अपने भी भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम थोड़ी सेविंग करते हैं वो मेरे से फिलहाल लैक कर रही है भैया। और मैं पूरा विचार दिन भर किया और सोचता रहा और ध्यान भी लगाया जो प्रक्रियाएं हमारी चल रही है, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का ध्यान आ रहा था कि अच्छा मैं कल भैया से इस बारे में चर्चा करूंगा। इतनी शेयरिंग थी भैया। जी ठीक से देखेंगे तो हम कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि ये जो प्रभाव से सुखी होने का अभ्यास हो गया है उसकी जगह स्वभाव समझ में आ जाए और स्वभाव से सुखी होने का काम शुरू हो जाए। हाँ ये तो सुविधाएं है की भैया। आवश्यकताएं ठीक से पहचानने में आ जाए, परिवार के लिए उसको पहचान कर और जो सुविधा है उसका सदुपयोग ठीक से करना शुरू करें। तीसरा काम ये कर ही सकते हैं कि हमारे बच्चों को भी ये ध्यान में आ जाए कि सुख स्वभाव है प्रभाव नहीं, और सुविधाओं का सदुपयोग जरूरी है संग्रह नहीं। इतनी बात जब मुझे और मेरे परिवार को ध्यान में आती है तो हम इसके लिए कार्यक्रम बना के धीरे धीरे चलते हैं। तो जो अननेसेसरी खर्चे हमारे प्रभाव से सुखी होने के भ्रम में हो रहे होते हैं समय के साथ वो बचने लग जाते हैं। जब वो बचने लग जाते हैं तो हमारा जो भी एक तरह से आपातकाल के लिए जो हम एक अमाउंट सेव करना चाहते हैं वो धीरे धीरे होने लगता है। और भी अन्य जगहों पर ध्यान जाता है कि हम जो खर्चे अभी कर रहे हैं अन्य जगहों पर, कई जगह ऐसा लगता है संबंध है, संबंध को निभाना है तो वहाँ ये गिफ्ट देना ही होगा, वहाँ ये बात देनी ही होगी। अगर उन लोगों के साथ भाव ठीक हो जाता है, आश्वस्ति हो जाती है, सब ठीक से चर्चा हो जाती है तो ये ध्यान में आ पाता है कि भाई आप हमारे को ये गिफ्ट देते हैं, हम आपको ये गिफ्ट देते हैं, आपके यहाँ भी सदुपयोग हो पाता है क्या, या मेरे यहाँ भी सदुपयोग हो पाता है क्या। जिन भी 10-20 परिवारों में ये चर्चा होके आपने आश्वस्ति बना ली तो वहां अब इस तरह के अननेसेसरी दबाव में गिफ्ट देना लेना मजबूरी नहीं रही। छोटे गिफ्ट भी बड़े खर्चे भी, तो धीरे धीरे हमारा जो सदुपयोग है वो बढ़ता जाता है और खर्च का जो हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो धीरे धीरे उसके लिए भी अवसर बनता है और लगता है कि थोड़ा और उस पर एक्सरसाइज करना है तो उस पर अलग से और चर्चाएं की जा सकती हैं। अगर इंडिविजुअल उस पर कुछ बात करना है अरुण भैया तो, बट इन टोटालिटी में कहेंगे तो अभी मैं इतनी बात कह सकता। ठीक ठीक है भैया, ठीक है। इस पे चलो ध्यान और भी बनाऊंगा और सतत प्रक्रिया जारी है। लेकिन जैसे कभी कभी अब कुछ चीजें, जैसे बच्चे का मेरे MBA कराना है, तो MBA में भी भैया जैसे कि कहीं कहीं पता चला कि 2 लाख रुपए में भी हो जा रहा है और कहीं 22-25 लाख रुपए लग रहा है। तो 2 लाख 5 लाख रुपए तक का तो अपने अंदर कुछ न कुछ थोड़ा भैया, सा हिसाब रहता है। मुख्य तो बात यह है कि अगर बच्चे का प्रभाव से सुखी होने का अभ्यास है तो ये दिखाई देता है कि अगर उसका 20 लाख रुपए का पैकेज का जॉब नहीं लगा तो अब वो नहीं जी पाएगा। ऐसे में बच्चे को 1 करोड़ फीस दे करके MBA कराना हमारी मजबूरी है। अगर बच्चे को ये समझ में आ गया कि स्वभाव सुख है तो सुविधा की आवश्यकता ठीक से वो पहचान सकता है, कितना समय सुविधा जुटाने पर लगाना है तय कर सकता है, और फिर ये तय हो सकता है कि भाई हमको 6 लाख के पैकेज का भी अगर जॉब मिलता है हम आराम से अपने परिवार में जी सकते हैं और उतने तक के जॉब के लिए हमको करोड़ रुपया खर्च करने की कोई बहुत मजबूरी नहीं है। तो जी धीरे जी धीरे अलग अलग दिशा को आराम से जब आप विश्लेषण शुरू करेंगे तो बहुत सारे फल निकल के आएंगे। जी जी भैया, इसी प्रयास में हूँ भैया। नमस्ते भैया। कल का जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा इसमें, तो सुख तो स्वभाव ही है और उसका मानव का सुख स्वभाव में निरंतर सुखी रहना, तो निरंतर सुखी रहना तो अगर हम संवेदनाओं को पढ़े तो वहां तो टेम्पररी है, इस चीज को तो समझ आ रहा है। और बाकी जो सही समझ है, सही समझ तो अभी बढ़ाने में हम कोशिश कर रहे हैं, तो सही समझ कितनी देर में पूरी कारगर हो पाएगी क्योंकि बहुत सारी प्री कंडीशंस हैं उस पर। जी और जहाँ भाव की बात आती है, भाव तो मेरे को अभी 4 सेशन के बाद अब पता चला है कि भाव भी कुछ है, तो भाव के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ अब आजकल। तो भाव बिगड़े ना जी
और फिजिकल फैसिलिटीज को सही तरीके से मैं समझ पाऊँ भौतिक आवश्यकताओं को। और क्लास में भी मैं यही दो क्वेश्चन लेके बच्चों के साथ डिस्कस करती हूँ कि जो भी हम ऐसे प्रोडक्ट यूज करें जिसमें नेचर को इको फ्रेंडली हो, नेचर को हार्म ना करें, तो बच्चे इस बात को समझते हैं कि प्लास्टिक बॉटल की जगह हम कांच या स्टील की भी बॉटल ले सकते हैं, और प्लास्टिक जो बैग है बैग की जगह हम जूट के बैग जो फौजी लेते हैं उस टाइप के लें जो एक डिजॉल्व सॉइल क्वालिटी को भी खराब ना करें। और अपनी भी कोशिश यही रहे, और अभी मेरे छोटे बेटे की शादी है 2 महीने बाद, तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी कम हो कम से कम भौतिक आवश्यकताओं को इग्नोर किया जाए, और एक टारगेट है कि उसी कम कम से कम पैसे में, और समारोह तो खुशी का है और सुख पाने वाला है, तो उस समारोह में हमें अपने अंदर की सुख को देखना और अपने भाव बनाए रखने हैं और संबंधों को देखना। यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं कि संबंधों को भी हमने बनाए रखना है, भौतिक आवश्यकताओं को भी एक लिमिट में सोचना है, और इस स्वभाव को भी बनाए रखना निरंतरता में कि मेरा भाव ना बिगड़े कहीं पर भी। तो इसके ऊपर कार्य प्रगति पर है सर, देखिए कैसे सही समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने हम लोगों को इस प्रगतिशील पथ पर चलने की मार्गदर्शन किया। सच में सर शायद ही मेरे जो आगे संबंध संबंधियों के साथ संबंध थे वो शायद सही ना हो पाते, तो यहाँ पर हम चार परिवार जुड़े हैं, तो चार परिवारों में उस भाव को लेकर सही समझ के साथ जो कार्य मैंने UHV के थ्रू करा उसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी दीदी, अब धीरे धीरे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम क्लास में पढ़ाते ही हैं, उनके जी साथ कोई वीकली मीटिंग शुरू कर सकते हैं जिसपे सही समझ पे चर्चा हो। कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तय किए जा सकते हैं जिसमें संबंध के लिए कुछ एग्जीक्यूशन हो। कुछ और छोटे प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं जिसमें सुविधाओं के सदुपयोग पे, सुविधा की आवश्यकता को पहचानने से जुड़े प्रोजेक्ट हो। कुछ और प्रोजेक्ट बच्चों के साथ मिलकर शुरू किए जा सकते हैं कि पूरे समाज में व्यवस्था के दृष्टिकोण से क्या किया जा सकता है, उस पर कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हो। तो बहुत कुछ इन तीनों ही दिशाओं में कर पाने का आपके पास अवसर है। एक बार भाव ठीक हो गया तो इन सभी दिशाओं पर अब आप काम करेंगे ही और आगे प्रगति होगी ही। हम सब लोग मिलजुल कर आगे गति करेंगे। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। भैया, ये जो तीन चीजें समझ, संबंध और सुविधा, तो मैं तो एक फैकल्टी हूँ, तो मैं देख सक रहा हूँ कि डेली सुबह मुझे 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ऑफिस में रहना पड़ता है। जी तो इसमें मुझे सुविधा, हम अपना सुविधा के लिए ये सब कर रहे हैं, थोड़ा आर्थिक सहायता मिलता है जिससे कि हमारा घर द्वार चलता है और थोड़ा अर्थ बनता है कि भविष्य के लिए रखे या कुछ काम के लिए रखा जाता है। तो ये तो दिख रहा है भैया। और संबंध देख रहे हैं कि मैं आधा दिन मेरा अगर ऑफिस में रहता हूँ तो क्या मैं ये देखूं कि जो मेरा स्टाफ्स है वो मेरा भाई है, बहन है, दीदी है, चाचा है, चाची है, इसको हम संबंध बोल रहे हैं यहाँ पे या क्या है? और समझ मतलब कोई कुछ मुझे बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, यहाँ पे मैं समझ क्या देखूं? तो आप जी थोड़ा सा उस पे अपना अनुभूति मुझे शेयर करें कि मैं डे टू डे लाइफ में क्या देख सक रहा हूँ, उसमें देखूं जी क्या, ये मैं जी समझ नहीं सक रहा हूँ भैया, प्लीज। जी तो सुविधा से मैं शुरू करता हूं और तीनों के लिए क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दिलाता हूं। तो सुविधा को लेकर के देखें तो चाहे मैं ऑफिस में हूं या घर पे हूं, मैंने दोनों ही जगहों पर सुविधा की आवश्यकता को पहचानने का काम कर लिया है कि नहीं। ये जो कर रहा हूँ ये सुविधा से जुड़ी हुई सही समझ का मुद्दा है। इसी तरह से जो भी सुविधाएं मेरे पास ऑफिस में है, घर पर है, मैं उसका सदुपयोग कर पा रहा हूँ कि नहीं, सदुपयोग कैसे करूँ, सदुपयोग करना आवश्यक है कि नहीं, इस पर जो मैं समय लगा रहा हूँ ये सही समझ के लिए है, और फिर सुविधाओं पर के साथ जो एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ वो सुविधा के लिए। तो ये तो ऑफिस और घर दोनों ही जगहों पर हो सकता है। इसी तरह से संबंध को देखें तो संबंध मूलतः तो मानव का मानव से है, एक मानव का दूसरे मानव से संबंध है, और उसको और ठीक से स्पेसिफाई करें
एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ से संबंध है, और तीसरा उसको और ठीक से स्पेसिफाई करें तो संबंधों के मूल में भाव है, चाहे वो परिवार में दो से अधिक लोग हैं या सब ऑफिस में, सभी में सेल्फ है और सेल्फ से सेल्फ के बीच में भाव है, उन भावों पर ही ये संबंध का एक तरह से मूल आधार है। तो ये जो भाव है, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, ये भाव मुझे समझ में आ गए हैं कि नहीं, है ना? तो अगर उन भावों को समझने का काम कर रहा हूं तो सही समझ पे काम हो रहा है, फिर उन भावों के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ निर्वहन कर रहा हूं तो सही समझ के साथ संबंध पे काम हो रहा है। ये काम ऑफिस में भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है। जहां जहां संबंधों में भाव ठीक से नहीं व्यक्त हो पा रहे हैं, वहां कुछ व्यतिरेक आ गए हैं मेरे तरफ से या दूसरे के तरफ से, वहां पर वो भाव कैसे ठीक हो, कौन सा भाव मिसिंग है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा अपने में और दूसरे के साथ, ये सारा कुछ जो विश्लेषण कर रहा हूँ और उसमें क्लियरिटी के साथ चीजों को देखने का प्रयास कर रहा हूँ, ये सही समझ के लिए प्रयास है, और फिर उसको दूसरे के साथ निर्वहन कर रहा हूँ, ये संबंध के लिए प्रयास है। सही समझ के लिए अगर टोटालिटी में देखेंगे तो मैंने अपने बारे ठीक ढंग से, अपना लक्ष्य क्या है, कार्यक्रम क्या है, और उस कार्यक्रम से मेरा वो लक्ष्य पूरा हो रहा है कि नहीं, सुख क्या है, समृद्धि क्या है, जो सुख समृद्धि को मैंने समझ रखा है वैसा ही मेरा कार्यक्रम बन रहा है कि नहीं, मैं क्या हूँ, तो मैं सेल्फ और बॉडी के को एग्जिस्टेंस के रूप में हूँ, तो सेल्फ को और बॉडी को मैंने ठीक ठीक समझ लिया है कि नहीं, दोनों के ट्रांजेक्शन को ठीक ठीक समझ लिया है कि नहीं, परिवार में सभी भावों को ठीक ठीक समझ लिया है कि नहीं, सुविधा की आवश्यकता को पूरे परिवार के लिए ठीक ठीक पहचान लिया है कि नहीं, जो सुविधाएं हैं उसका आकलन कर लिया है कि नहीं, उसका सदुपयोग कर पा रहा हूँ कि नहीं, जिस समाज में मैं जी रहा हूँ, भले 100 लोग का परिवार हो, 200 लोग का परिवार हो, संबंधी जो हमारे मतलब ट्रेडिशनल संबंधी हैं, उन सबके साथ मिल करके किस कॉमन लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए क्या प्रोग्राम होगा, पूरे समाज में व्यवस्था कैसे होगी, उसमें मेरी क्या भागीदारी हो सकती है, ये प्रकृति, ये ज्यादा प्रकृति में क्या मेरी भागीदारी हो सकती है जिससे कि प्रकृति की हार्मनी बनी रहे, इन सभी चीजों को जो आप अपने में फैला कर देख रहे हैं, ये सही समझ का काम है भैया। तो इन सभी जगहों पर बहुत सारा काम समझने का हो सकता है, बहुत सारा काम एग्जीक्यूशन का हो सकता है, फिर जो समझ में आ गया है वो दूसरों के साथ शेयर करने के लिए हो सकता है, और जिन लोगों का इस पर आश्वस्ति बन गई है उनका एक टीम बनाने का काम हो सकता है, फिर टीम के साथ मिलजुल कर बड़े व्यवस्था के लिए समाज में काम करने के लिए अवसर हो सकता है। इतना सारा स्कोप है अशोक भैया, आप इसमें से जितना भी उपयोगी लगे कर सकते हैं और अपने ढंग से भी इसको फैला सकते हैं। जी अशोक भैया, भैया, और थोड़ा सा और मैं 1 मिनट ले सकता हूँ पूछने के लिए? हाँ बताइए भैया। भैया कि ये जो आपने बोला सुविधा समझ गया, अब समझ मतलब मैं मान लीजिए अभी सुबह बैठा हूँ, अभी जो ब्रेकफास्ट खाऊं क्या खाऊं, तो मैं समझू कि ये मेरा सेहत के लिए खा रहा हूँ क्या खा रहा हूँ, या ऑफिस जाऊं मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाऊं या मैं कार में जाऊं या बाइक में जाऊं, ये मेरा समझ है ना? तो जो भी मैं आहार ले रहा हूँ, है ना, हाँ उससे मैं शरीर का पोषण करना चाहता हूँ या स्वाद लेना चाहता हूँ, भले ही पोषण ना हो, तब ये देखेंगे तो ये समझने का मुद्दा है। एक बार अच्छा, ये समझ में आ समझना। गया, हाँ एक बार समझ में आ गया तो जो भी भोजन मैं ले रहा हूँ उससे पोषण होगा कि नहीं होगा इसको जांचता हूँ और उसके आधार पर भोजन का सेवन करता हूँ। ठीक है ठीक है मैं जी, समझ, हाँ तो ये समझ गया भैया, समझ क्या है मैं समझ गया। अब संबंध के बारे में जैसे कि आपने बताया कि सेल्फ टू सेल्फ और ह्यूमन टू ह्यूमन, अगर भैया देखिए हम अगर जानवर को भी देखते हैं वो छटपटाता है भी तो हम पानी देते हैं, शुरुआती खाना भैया देते हैं। वही शुरुआत मानव से मानव का है, फिर अंतत्वगत्वा तो संपूर्ण प्रकृति के एक एक कणकण से है। हाँ, तो यहाँ पे जो हम संबंध बोल रहे हैं ना वो मेरे से ठीक से नहीं हो रहा है, कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि फिर भाव में चले गए कि भाव नहीं बिगड़ना है, आप ही ने बोला कि भाव का ऊपर में संबंध टू संबंध में मतलब सेल्फ टू सेल्फ और सेल्फ टू सेल्फ में फिर हम भाव टू भाव हो जा रहा है, तो हम कुछ भी बोल रहे किसी को बुरा ना लगे इसी को हम संबंध बोल रहे हैं नहीं या भैया, क्या बोल रहे हैं, ये मैं इसके ये फील नहीं नहीं कह कर रहे हैं, सक रहा हूँ। ये नहीं कह हाँ रहे हैं किसी को बोले बुरा नहीं लगे, ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये हाँ कह रहे हैं कि संबंध में कौन से भाव मुझे सहज स्वीकार्य है वो दिख जाए और हम उस भाव को ही बेस बनाकर आगे बात करें, हमारा भाव ना बिगड़े। भैया, ये नहीं समझ सक रहा हूँ भैया, इसको थोड़ा सा आप आप थोड़ा सा देखेंगे, जैसे आप देखेंगे
आपको किसी व्यक्ति के साथ जी रहे हैं, चाहे ऑफिस में या घर में, हाँ तो आप अपने से पूछ के देखिए कि मेरे को उसके साथ सम्मान का भाव सहज स्वीकार है या अपमान का भाव सहज स्वीकार है, तो आपको कुछ उत्तर मिलेगा। हाँ भैया, उसको भी सम्मान चाहिए, मुझे भी सम्मान। अभी संसार में कोई उसको ऐसा चाहिए, प्राणी नहीं है। उसको क्या चाहिए अभी सेकेंडरी तौर पे समझेंगे, मुझे क्या सहज स्वीकार है, सम्मान का हाँ, भाव या अपमान का। सम्मान, सम्मान का भाव अब फिर भैया। प्रश्न ये बनता है कि मैंने हाँ सम्मान को क्या समझ रखा है, मेरे लिए सम्मान क्या है। तो सम्मान सही सही आकलन है या दूसरे से ध्यान पाना है, और सही 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 आकलन, आकलन है। सही सही आकलन सेल्फ के आधार पर होगा या बॉडी या पद या धन के आधार पर होगा। तो सेल्फ के आधार पर अगर सही सही आकलन करना है तो सेल्फ का लक्ष्य कार्यक्रम और क्षमता पर ठीक ठीक से हमारा स्पष्टता हो, अपने लिए भी और अगर दूसरे के लिए भी, तो हम भैया, मगर अपना भैया, और दूसरे का दोनों का ही सम्मान कर पाते। जी अच्छा मगर भैया, वो जो आकलन है, वो जो सम्मान, मैं जो आशा कर रहा हूँ कि मुझे सम्मान चाहिए, ये क्या, तो वो वही, सामने वाला जो देगा वो तो अपना अभी कॉम्पिटेंस अभी बेसिस पे इसलिए देगा। इसलिए इस बात को ध्यान दिला रहा हूँ कि अभी तक भाव दूसरों से पाने का अभ्यास रहा है, ये प्रभाव में जीना है, ये सम्मान का भाव मैं भी अपने में समझकर सुनिश्चित कर सकता हूँ, और सम्मान के भाव के लिए दूसरे से भाव के भीख मांगने की मजबूरी से मुक्त हो सकता। ये पूरा अभ्यास जो मॉर्निंग सेशन का है, तो उसकी ये बड़ी उपलब्धि है। जब आप धन खुद सुनिश्चित कर पाते हैं अपने श्रम से, तो दूसरों से भीख मांगने की व्यवस्था खत्म हो जाती है। उसी तरह से भाव भी हमको ठीक ठीक अपने में समझ में आ जाए और हम सुनिश्चित कर सके, तो दूसरा सही भाव देता है तब भी हम उसके साथ ठीक से प्रस्तुत हो पाते हैं, सही भाव के साथ नहीं देता है तो भी प्रस्तुत हो पाते हैं। नहीं मगर भैया, एक बात मैं समझ नहीं सक रहा हूँ। जैसे कि हम डिपार्टमेंट में जाते हैं तो बहुत सारे फैकल्टी होते हैं, कोई सीनियर होता है, कोई जूनियर होता है, कोई किसी को उइस करता है, कोई किसी को उइस नहीं भी करता है। तो मान लीजिए ये आदत ही बन जाता है, वो तो करता नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है? हम तो ऐसे ही अपना चले जाते हैं, हम चुप से अपना अपना सीट में बैठ जाते हैं, अपना काम करते रहते हैं। जब कोई मिलता है, कोई बात करते हैं, तो वह अच्छे विचार से बात करते हैं, जैसे कि हमारा भाव न बिगड़े और सामने वाले का भाव ना बिगड़े, बस। तो मगर यहाँ पे जो है, ये संबंध कहाँ से क्या है, ये बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है भैया। ठीक ढंग से मैं कितने देखेंगे सारा तो हाँ मैं नमस्ते कितने सारा कर करना, चुका। या हाँ आपने फेस टू फेस वर्कशॉप किया है? फेस नहीं भैया, फेस टू फेस तो मेरा कभी नहीं हुआ है भैया। भैया आपको रिकमेंड करूंगा, ये सारे इश्यूज आप फेस टू फेस वर्कशॉप करेंगे तो ठीक से सारे प्रश्नों पे बात होती है उसमें। सारे मैं जरूर करूंगा भैया, जरूर करूंगा। मैं थोड़ा सा कुछ चीज में बेसिक जड़ित इश्यूज हो हैं गया हूँ। जिसको हम लोग फेस टू फेस वर्कशॉप में तो डील ही करते हैं। नहीं देखिए भैया, अभी आपने मुझे जो तीन चीज में से दो चीज तो मैं क्लियर हो सक रहा हूँ, एक चीज में क्लियर नहीं भी हो सक आपको रहा लग हूँ। रहा है कि क्लियर हो गया है, लेकिन उसके मूल में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिस पर कि हाँ। फेस वर्कशॉप को करना ही चाहिए। यहाँ जितना हो जाए उतनी बात तो हम लोग करेंगे ही, तो एक आपने जो अभी मुद्दा उठाया उसको कर देता हूँ, फिर और लोगों से बात करूंगा या हम लोग ठीक अलग है, से। दूसरों के बातों में अगर है तो ये भी आप थोड़ा सा समझाइए तो अच्छा एक रहेगा भाई। आपका थैंक प्रश्न यू, डील कर देता थैंक हूँ, यू। से बात करेंगे कि किसी को नमस्ते करना है ना, किसी का पैर छूना, ये सम्मान का भाव है या सम्मान के भाव का एक्सप्रेशन है। तो देखने जाएंगे तो किसी को नमस्ते करना, या कोई हमको नमस्ते कर रहा है, या कोई हमारा पैर छू रहा है, या हम किसी का पैर छू रहे हैं, ये सम्मान के भाव का एक्सप्रेशन है ना। सम्मान का भाव क्या है उसको हमको अपने में समझना होता है। सम्मान का भाव क्या है कि हम दूसरे को अपने जैसा स्वीकार पा रहे हैं, इस आधार पर कि दूसरे का लक्ष्य मेरे जैसा है, कार्यक्रम मेरे जैसा है, क्षमता मेरे जैसा है, इन तीनों के आधार पर हम दूसरे को अपने जैसा स्वीकार पा रहे हैं। उसकी योग्यता मेरी योग्यता में कुछ अंतर हो सकता है, उसके बावजूद भी हम दूसरे को अपने जैसा स्वीकार के इन तीन आधारों पर जो प्रस्तुत हो रहे हैं, ये सम्मान है, ये उसका सही सही आकलन है कि मेरे में उसमें कुछ कॉमन है और कुछ विविधता है। तो कॉमन का आधार बनाकर हम दूसरे को स्वीकार पा रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग फेस टू फेस वर्कशॉप में तो बहुत डिटेल चर्चा ही करते हैं भैया, और मुद्दे आपके पास अगर हैं तो हम लोग अलग से भी फोन पर बात कर सकते हैं। अभी बहुत सारे साथी लोगों के हैंड रेज हैं तो थोड़ा उन यस भैया, यस भैया, यस भैया, धन्यवाद।
भैया कल का एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। जी कल मेरे घर में मेरे बच्चे का बर्थडे था, और अभी हमारे थोड़ा सा एक इशू हुआ था कि हमारे घर में हमारे ननंद जी वगैरह रहते थे, तो मतलब हम बहुत साल से साथ में थे, और अभी जस्ट रिसेंटली उन्होंने उनका खुद का मकान वगैरह बनाया है। तो हम लोग मतलब पहले तो अजम कर रहे थे कि वो खुद से आएंगे और विश करेंगे बच्चे को, लेकिन बाद में मतलब एक कहीं तो भी मुझे लग रहा था कि अगर ऐसे भी हो सकता है ना कि हम जैसे सोच रहे हैं वैसे वो भी सोचते रहेंगे कि हमने हमको वो बुलाएंगे या हमें इनवाइट करेंगे हमारे बच्चे के लिए बर्थडे के लिए। तो मुझे लग रहा था कि हमने इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि हम तो संबंध देख रहे हैं, और मुझे लग रहा था कि अगर वो मतलब आते हैं तो वो हमारे लिए रिलेशन के लिए भी वो अच्छा रहेगा। तो उस भाव से मैंने उनको खुद से ही इनवाइट किया, और वो लोग आए भी, और बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट भी किया। तो ये जो भाव मेरे में आ रहा था, तो वो क्या सही तरीके से था या कुछ मतलब अलग से मैंने डील करना चाहिए था? जी, तो आपने दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकार कर, उसको अपने जैसा स्वीकार कर आमंत्रित किया। भाव सही है या नहीं सही है उसको जब देखने जाते हैं, तो अगर हम सही भाव को अपने भीतर पहचान कर सुनिश्चित करके एक्सप्रेस होते हैं, तो उस प्रक्रिया में हम हार्मनी में आते हैं। तो बिल्कुल अगर भाव हमने सही पहचान कर सुनिश्चित किया है अपने में, तो उसकी पहचान ये है कि हम हार्मनी में आते हैं, अन्यथा या तो डिसहार्मनी में जाते हैं या एक्साइटमेंट में जाते हैं। बिल्कुल तो ये आपको अपने भीतर इंडिकेटर है कि अगर उससे आप हार्मनी में आ रही हैं, तो आपने जो भी भाव पहचाना है, समझा है, वो सही है। अगर उससे एक्साइटमेंट या डिसहार्मनी हो रही है, यानी अभी वो समझना, ये अच्छा, उसका नहीं इंडिकेटर है। डेफिनेटली वो हार्मनी था, क्योंकि मतलब वो अंदर से ही लग रहा था अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं डेफिनेटली हार्मनी में महसूस कर सकती हूँ। जी, तो इस इंडिकेटर से हम सभी लोग अपने भाव को चेक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया दीदी, आपका धन्यवाद प्रयास। भैया। मैं लंबे समय से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। 2016 से जवानों विभाग मध्य प्रदेश का बना, तभी से मैं उसमें सेवाएं दे रहा हूँ। और आपके साथ 2000 लगभग 2020 से जब पहले सेशन आपने लिया था ऑनलाइन, इसके जी बाद आपके साथ ऑफलाइन सेशन कई बार भोपाल में अपन ने किए। मैं स्कूल शिक्षा विभाग में हूँ, प्रिंसिपल हूँ। एक ऑब्जर्वेशन रखना चाहूंगा चुनाव से संबंधित जो भी चर्चा हो रही थी, कि इस बार जब लोकसभा चुनाव हुआ तो मेरी ड्यूटी तो आमतौर पर दूसरे काम में रहती है, प्रिसाइडिंग वगैरह में नहीं रहती, पर अचानक मेरी प्रिसाइडिंग में ड्यूटी आ गई तो लोगों को थोड़ा सा खराब सा लगा कि सर आपकी ऐसी क्यों आ गई, क्योंकि लंबे समय से सीनियर मोस्ट रहे और काम करते रहे। फिर भी मैंने उसको स्वीकार किया, और जब ट्रेनिंग ले रहे थे तो MTs जो थे वो भी असहज महसूस करते थे, तो मैं उनको बड़ा फ्रेंडली ट्रीट करता हुआ सबसे पीछे बैठ कर छोटे छोटे क्वेश्चन दूसरों से उठवाता रहा और उनको एनहेंस करता रहा। पर जो हमारी टीम आई, उसमें टीम में क्या हुआ कि महिलाएं थी और एक जो पुरुष थे नंबर एक पर, वो बहुत ऊंचा सुनते थे और बहुत ही धीरे से बोलते थे, बच्चों से भी कम, उनको दिखाई भी कम देता था। तो अब मैंने हम लोगों ने कहा, महिलाओं ने, हमारी अधिकारियों ने, कि इसको इनको पढ़ते भी नहीं बनेगा, कैसे पढ़ पाएंगे, वो बहुत आंख के पास में लगाते थे 6 इंच की दूरी पर वो, और वो बोतल से कैसे पढ़ पाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं हम उनसे बात करते। मैंने उनसे बात की, आपने कब कैसे काम किया, क्या हुआ, तो उनकी भी 30 साल से ऊपर सेवाएं हो गई थी। अब मेरे को लगा कि उनको हम इग्नोर करेंगे तो उनको मानहानि होगी, तो मैंने एक सामंजस्य बनाया कि अपन देखते हैं, चलेंगे देखेंगे पोलिंग स्टेशन कैसा क्या है जहाँ ड्यूटी आएगी, और फिर वहां जाके अपन यदि नहीं बन सकेगा तो अपन किस व्यवस्थाएं करेंगे, पर अभी उनसे कुछ मत कहिए। तो मैडम को थोड़ा सा, हमारी सब महिला शिक्षिकाओं को थोड़ा सा ठीक सा लगा कि सर अपनी सबसे बात कर पा रहे हैं सर। फिर भी मैं उनको साथ देता रहा। जब हम लोग चुनाव पोलिंग स्टेशन में पहुंचे, इंटीरियर में था, तो सबसे पहले तो मैंने पूरा काम करा लिया अपना, 4 बजे तक लाइट आइट वहाँ थी नहीं, बिना पंखे में, पर मैं काम में जुटा रहा जिससे लोगों को गर्मी का एहसास कम हो और काम में व्यस्तता ज्यादा बनी रहे। शाम को मैंने महिलाओं से कहा कि आप लोग अपने अपने घर जा सकती हैं, हमारी तब से कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जाना तैयार नहीं थी, सर रिस्क है। मैंने कहा आप अपनी रिस्क पे चली जाए, यहाँ रात में देखो लाइट में दिक्कत जाएगी आप, लाइट की लाइट तो है पर पंखे की चल नहीं रहे हो, बहुत डिम लाइट है। तो मैंने कहा आप अपनी रिस्क पे जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह आ जाइए। तो उनको भी अच्छा लगा जब मैंने उनको कहा, और जो शिक्षक साथी थे उनसे कहा कि आप सुबह देखते हैं अपन क्या पोजीशन बनती है आपके साथ, कोई दिक्कत मन में। मैंने सुबह वो लोग संयोग से उनको टाइम पे आ गई 5 बजे सवेरे, और हम लोगों ने पोलिंग का काम माकूल वगैरह करने के बाद जब शुरुआत हुई, सुनाई भी नहीं पड़ता था भैया ऐसा ऐसा है,
और कोई अच्छा सा पढ़ा सा लड़का जो था वो उसको सामने बैठा ला, और मैंने कहा बेटा तुम पहले पढ़ लिया करो जोर से, सर मिलाएंगे। तो वो जोर से पढ़ा उसने, सब एजेंट्स ने स्वीकार भी किया उसकी इस बात के लिए प्रेम से, और वो पढ़ते थे और इशारा कर देते कि हाँ सही पढ़ रहे हो आप, नाम और नंबर दो, उनकी चिट बना के नाम नंबर लगा के रजिस्टर में दस्तखत करा लेता। और यूं मेरा दिन भर चलता रहा, और वो उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं हो सका कि मेरी जो इनेबिलिटी है, जो डिसेबिलिटी है, उसके लिए कोई हमारे लिए असहज हो पा रहा है। और उनको मैं बराबर बीच में उठाता रहा, आप जाइए उठिए, आप काम करिए घुमाइए, मैं उनका काम करता, सभी का सही मैं करता रहा। शाम को जब पोलिंग खत्म हुआ, मैंने पूरा काम समय पर निपटा के और फिर महिलाओं से फिर कह दिया कि आप लोग जाइए, अब जमा करना है तो मैं और मेरे साथ जो एसपीओ कहलाता है स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिसर, उसके साथ मैंने कहा मैं जमा कर दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो मैंने कहा मत चलिए, आप इतनी दूर तक जाएंगी, आप दूर जगह से आई हैं, रात में वहां 2 बज जाएंगे, आपको लौटते लौटते साधन आपको मिलने वाला नहीं। तो बड़ी हृदयता सहृदयता से वो लोग लौट गए और मैंने यहाँ आके सामान जमा किया। तो वो शिक्षक बड़े ही बेहबल हो गए कि सर आपने इतनी अयोग्यता के बावजूद ही मुझे स्वीकार किया। मैंने कहा नहीं नहीं ये सही समझ का परिणाम था कि आप में भी कुछ है, तो हम उसको एक सामाजिक रूप तौर पर आपको स्वीकार करते हुए आपकी कुछ अयोग्यता को हम अयोग्यता थोड़ी माने, वो एक कमी है, नेचर की कमी हो गई है, हो जाने दिए, किसी एक्सीडेंट की वजह से उनका ऐसा हुआ था। तो वो एक बहुत ही मैंने बहुत कठिन परिस्थितियों में भी होते हुए टीम के साथ में बड़ा सहज भाव से चुनाव जैसा कार्यक्रम हुआ। तो उसमें मुझे ये सही समझ संबंध सुविधा बहुत सहजता में दिखाई दी अपने जीवन के साथ में और अपने संबंधों के अपने जीवन यापन के साथ में। भैया यही थोड़ा सा छोटा सा अनुभव था, आप सभी के साथ लगातार जुड़े रहते हैं, मैं कई सत्रों से ऑनलाइन भी अभी जुड़ा हूँ 8, 9, 10 में, और मैं लगातार आपसे और भी परामर्श लेता रहूंगा। सभी का धन्यवाद, नमस्ते सभी को। जी भैया बढ़िया, आप ये सब चीजें देख पा रहे हैं और धीरे धीरे उसमें और पिन पॉइंटली देखेंगे कि पूरे दिन भर में कितना समय सही समझ पे लगा, कितना संबंध में भाव के लिए लगा, कितना सुविधा के लिए लगा। तो हम लोगों ने ये बात कर लिया था, तो मुख्य बात जो कल हुई थी कि ये तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सही समझ, संबंध और सुविधा, निरंतर सुख समृद्धि रूपी जो हमारा मानव लक्ष्य है, मूल हमारा जो हमारा हमारा लक्ष्य है उसको पूर्ति के लिए ये तीन जगहों पर काम करना चाहिए। पशुओं के देखें तो पशुओं की आवश्यकता हो सकता है सुविधाओं से पूरी हो जाए, लेकिन मानव की आवश्यकता तो समझ, संबंध और सुविधा तीनों से ही पूरी होती है। इसलिए मानव के लिए इन तीनों पर ध्यान देना, तीनों पर काम करना एक बेसिक, एक तरह से देखें तो तभी इन तीनों से ही पूरा पड़ पाता है। अगर तीनों पर काम करते हैं तो इसका परिणाम उभय सुख और उभय समृद्धि के रूप में आना शुरू होता है। इस पर हम लोगों ने कल बात किया था, तो फिर ये ध्यान में आया कि ये जो व्यक्ति है अगर सिर्फ प्रभाव से सुखी होने का अभ्यस्त हो गया है तो सुविधा के ऊपर काम करना उसका प्राइमरी फोकस हो जाता है, समझ और संबंध की बहुत उसे आवश्यकता महसूस नहीं होती। ऐसे में शिक्षा संस्कार की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है कि ऐसे लोगों को ये बात ध्यान दिला सके कि आपकी जो निरंतर सुख समृद्धि की पूर्वक जीने की आपकी चाहना है वो सिर्फ सुविधा से पूरी नहीं हो सकती, उसके लिए तो सही समझ, सही संबंध में सही भाव और सुविधा की आवश्यकता की पहचान और इसकी पूर्ति, ये तीनों को ही करना पड़ेगा। सिर्फ सुविधा की पूर्ति भर से सुख समृद्धि की निरंतरता की चाहना पूरी नहीं हो सकती। अफकोर्स जब हम इस बात को करते हैं शिक्षा संस्कार में तो बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं, कई बार सैकड़ों प्रश्न बम्बार्डमेंट के रूप में हमारे भीतर निकलने लगते हैं। उसके लिए धैर्य पूर्वक समय लगाकर आराम आराम से संवाद की जरूरत है ताकि उन सारों प्रश्नों पर उनका समय समय पर ध्यान आकर्षण हो सके और व्यक्ति ये देख सके कि ये तीनों ही जरूरी। हम अगर देख पाएंगे तो तीनों के लिए कार्यक्रम बनाएंगे, नहीं देख पाएंगे तो चर्चा तीनों की करते रहेंगे, कार्यक्रम सिर्फ सुविधा की बनाते। तो अगर तीनों के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं तो चेतना का स्तर एक तरह का है, सिर्फ सुविधा का ही कार्यक्रम बनाकर अपने सुख समृद्धि की निरंतरता की चाहना पूरा करने के लिए प्रयासरत है तो चेतना का स्तर दूसरे तरह का। तो सिर्फ सुविधा से अगर अपने मानव के मूल चाहना को पूरा करने के लिए प्रयासरत है तो इसको भ्रमित चेतना कहा, डाइल्यूटेड सेल्फ कहा।
और अगर समाज, संबंध, सुविधा तीनों पर ध्यान चला गया है, ये दिख गया है कि इन तीनों से ही सुख समृद्धि की निरंतरता पूरी हो सकती है, तो हम तीनों को ही ध्यान में रखकर अपने प्रयास को लगा रहे हैं। तो अगर इसको देखने जाए तो ये ट्रू सेल्फ है, भ्रम मुक्त चेतना है, या कम से कम उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये शिक्षा संस्कार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। शिक्षा संस्कार का आशय यहाँ मात्र स्कूल या विद्यालय नहीं है, परिवार भी शिक्षा संस्कार की पहली पाठशाला है, समाज भी एक पाठशाला है शिक्षा संस्कार की। तो परिवार, बेसिक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और ये समाज, इन सभी जगहों से मिलाकर शिक्षा संस्कार हो रहा है, जिसमें पहला 5 साल जो फाउंडेशनल शिक्षा संस्कार हो रहा है वो तो परिवार में ही हो रहा है। अगर परिवार का वातावरण ही ऐसा है जिसमें तीनों पर ध्यान दिया जा रहा है, तो आने वाली पीढ़ियां उसको अनुसरण अनुकरण के माध्यम से तीनों पर ध्यान देते हुए बड़ी होती हैं, और उनका फाउंडेशन ही शुरुआती 5 साल में एक तरह से तीनों पर काम करने के लिए तैयार कर देते हैं, तो पूरे शरीर यात्रा वो तीनों पर फोकस देकर जी पाते हैं। अगर देखने जाए तो इस ढंग से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, और मूलतः विकास का भी यही मतलब है कि ये जो निरंतर सुख समृद्धि का हमारी चाहना है, अगर हम उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते वो पूरा कर पा रहे हैं तो विकसित हो गए, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो विकासशील है, और बार बार सुखी दुखी हो रहे हैं तो अभी अविकसित है। तो विकास का भी यही मतलब है कि निरंतर सुख समृद्धि की जो हमारी चाहना है उसकी तरफ बढ़ सके, और विकसित हो गए मतलब वो पूरा हो जाए। और ऐसे विकसित होने के लिए समाज, संबंध और सुविधा तीनों पे ही काम करने की आवश्यकता होगी। सिर्फ सुविधाओं का डेवलपमेंट हो सकता है, आदमी की चेतना का विकास हो जाएगा ये आवश्यक नहीं है। इस पर आप अवश्य विचार करेंगे ही, जांच पर रख कर ही रहे होंगे। समझने के बारे बात हो रही थी, बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, तो समझ को देखे तो समझ तो स्वयं में होगी, और स्वयं में क्या समझना है, तो अपने आप को समझना है, परिवार को समझना है, समाज को समझना है, प्रकृति और अस्तित्व को समझना है, इन चारों जगहों पर क्या समझना है, तो हार्मनी को समझना है। तो स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक की व्यवस्था को, हार्मनी को समझ लेना, यही सही समझ है, यही समझ का विषय वस्तु है। तो जितना समय हम इन चारों जगहों पर को समझने के लिए लगा रहे हैं, वास्तव में वही समय सही समझ के लिए लगाया जा रहा है। फिर इसके बाद जब संबंध को देखने जाते हैं, तो एक मानव का दूसरे मानव के साथ भी संबंध है मूलतः, और मानव का पूरे प्रकृति के कड़कड़ के साथ भी संबंध है। तो ये जो संबंध है मानव का मानव से, उसमें जो भाव हमको दिख रहे हैं वो हम अपने में सुनिश्चित करके सही भाव के साथ व्यक्त हो रहे हैं दूसरों के साथ, परस्पर पूरक होकर, जिससे उभय सुख हो रहा है, यही संबंध में न्याय पूर्वक जीना है। तो संबंध में न्याय के साथ जो जीने की हमारी चाहना है, वो तो दूसरे मानव के साथ परिवार से लेके विश्व परिवार तक की है। तो जैसे जैसे हमारे समझ पे काम होता है, संबंध समझ में आता है, हम परिवार से लेकर विश्व परिवार तक न्याय के साथ जीने के लिए तैयार हो पाते हैं और धीरे धीरे प्रयासरत होते हैं। ठीक उसी तरह से जो मानव का शेष प्रकृति के साथ संबंध है, उस पर जब हमारा ध्यान जाता है तो हम सुविधा की आवश्यकता को अपने लिए भी पहचानते हैं, और वो निश्चित दिखाई देता है। तो जितने की हमें आवश्यकता है, जितने का हम सदुपयोग कर सकते हैं, प्रकृति से उतनी ही सुविधा को देते हैं। शेष प्रकृति के समृद्धि के लिए भी हम अपने ध्यान को बनाए रखते हैं, हम ऐसे प्रयास करते हैं जिससे हमारी भी समृद्धि बनी रहे और ये शेष प्रकृति भी समृद्ध बनी रहे। अर्थात हम सभी मानव समग्र प्रकृति के साथ व्यवस्थित होके जी सके, ऐसी व्यवस्था हम परिवार व्यवस्था से लेके विश्व परिवार व्यवस्था तक चाहते हैं। यही अंतत्वगत्वा सार्वभौम मानवीय व्यवस्था के रूप में दिखाई देती है। और ये जो मानव के साथ परिवार से लेकर विश्व परिवार तक का जो संबंध है, वही धीरे धीरे अखंड समाज का आधार बनता है और अखंड समाज के रूप में दिखाई देता है। तो काम तो हम स्वयं में मानव से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक को समझने का कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम अखंड समाज तक, सार्वभौम मानवीय व्यवस्था तक जाता है। तो इस पर भी जो प्रश्न होंगे उस पर कल बात करेंगे, और फिर कल मानवीय समाज और समग्र विकास, इन दोनों मुद्दों पर कल बात करेंगे।